नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माय टेक्नोलॉजी इन्फो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीपीसी से रिलेटेड, कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं या फिर आपका डिजिटल मार्केटिंग से मैं आपका कोई भी इंटरेस्ट है, अगर आप इसमें कुछ काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होगा कि सीपीसी क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक। यानी कि एक किसी एड पे अगर आप क्लिक करते हैं तो कितने पैसे देने पड़ते हैं या फिर कितने पैसे आपको मिलते हैं, ये बेसिक डेफिनेशन जो है सभी को पता है। ठीक है, इस वीडियो का मोटिव यह है कि इसमें आपको कुछ बियॉन्ड लेके जाऊं, इसके बाहर कुछ इससे ज्यादा आपको बताऊं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो कि सीपीसी में इतना ही नहीं और भी बहुत कुछ है। कैसे सेट किया जाता है, बिडिंग क्या होता है या फिर टाइप ऑफ सीपीसी क्या होते हैं, कब इसका कॉन्सेप्ट किस तरह से होता है, वो पूरी डिटेल आपको देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कर बताइए कैसा लगा। जो लोग नया है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हर एक वीडियो में बोलता हूँ, आपके लिए बोरिंग हो गया होगा थोड़ा, बट मेरा काम है बोलना और आपका काम है सपोर्ट करना। ठीक है, तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को ब्लॉगर से डू फॉलो बैक लिंक चाहिए तो डेफिनेटली बताइएगा मुझे कमेंट में लिखे कि यस मुझे ब्लॉगर से डू फॉलो बैक लिंक चाहिए। और इस वीडियो का 100 लाइक का एक टारगेट रखता हूं, अगर आप लोगों ने 100 लाइक कर दिया और अगर कमेंट में लिख दिया 50 कमेंट में मिल गए तो मैं डेफिनेटली इस पे एक वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको 100% डू फॉलो बैकलिंक देगा, विद प्रूफ दिखाऊंगा कि ब्लॉगर से आप डू फॉलो बैकलिंक बना सकते हैं। आरिफ में भी दिखा दूंगा कि आरिफ का स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा आपको कि कैसे बनाना है यहाँ पे। ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आगे चलते हैं कि अब सीपीसी को समझते हैं क्या है सीपीसी। बेसिकली दो तरह का होता है ये, दो तरह क्या क्या होते हैं इसमें, एक तो जब आप एज ए एडवर्टाइजर कुछ करते हैं और दूसरा जब आप एज ए पब्लिशर होते हैं। एडवर्टाइजर अलग होता है, पब्लिशर अलग होता है। एडवर्टाइजर के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जब आप अपना एड दिखाना चाहते हैं गूगल में, कैंपेन के थ्रू आपकी एड गूगल में दिखाई जाएगी। एक होता है पब्लिशर, जो आपकी वेबसाइट होती है और उस वेबसाइट पे एड्स यूनिट लगा हुआ है और उस एड्स यूनिट पे कोई क्लिक करता है और उसके पैसे मिलते हैं। तो अगर आप पब्लिशर हैं तो आपको पैसे मिलेंगे, अगर आप एडवर्टाइजर हैं तो आपके पैसे कटेंगे। ये दो तरह के, पहले तो ये दोनों कॉन्सेप्ट होता है सीपीसी में। वहां भी सीपीसी होता है, यहां भी सीपीसी, वहां क्लिक करने पैसे कटते हैं, यहां क्लिक करने पैसे मिलते हैं। ये दो चीज को ध्यान से रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म क्या आता है इसमें, कीवर्ड का कॉन्सेप्ट आता है। जब आप गूगल एडवर्ड में अपना कैंपेन लगाते हैं, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ कीवर्ड होते हैं जिस कीवर्ड पे आपको एड दिखाना होता है। आपने गूगल में नोटिस किया होगा कि अभी कुछ कीवर्ड सर्च करते हैं आप तो किसी किसी में ऊपर एड आता है, तीन चार, जैसे कि अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि होस्ट गटर का जैसे ये मारा मैंने तो तीन चार एड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर आप हर एक कीवर्ड पे, क्या होता है कि हर एक कीवर्ड पे एड नहीं आता है तो किसी किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे एड आते हैं, राइट। तो जब किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे एड आते हैं मतलब कि उस कीवर्ड की कुछ वैल्यू है, करेक्ट। वो उस कीवर्ड पे एड आएगा तो अगर एडवर्टाइजर हैं आप, उस कीवर्ड पे आपने कुछ एड चलाया है, आपकी सर्विस आई वहां पे, आपने कुछ बेचने के लिए लगाया है अपना सर्विस या फिर आपके साइट पे ट्रैफिक के लिए लगाया है, किसी चीज के लिए लगा सकते हैं, तो जब वहां पे बंदा कोई क्लिक करेगा तो कितने पैसे कटेंगे, जाहिर सी बात है ये पूरा आपके कैंपेन पे डिपेंड करता है। जब आप एडवर्ड की कैंपेन चलाते हैं तो आप सेट करते हैं कि मेरी बिडिंग जो है इस कीवर्ड पे, अगर कोई बंदा मेरा इस कीवर्ड पे अगर मेरा आता है सर्च ऊपर, गूगल का आपने बताया कि सर्च में लाना है, मेरा एड दिखाना है, उस कीवर्ड पे गूगल एड दिखाएगा तो आपने कहा कि भाई जब कोई क्लिक करे तभी इसमें से मेरे $0.50 कटने चाहिए। ठीक है, आपने ये सेट कर दिया, मतलब $0.50 इज योर बिडिंग, आपने इससे ज्यादा नहीं जाएंगे आप। और दूसरा कंडीशन क्या लगा है, जब कोई क्लिक करेगा तभी कटेगा। तो यहां पे जब एज ए एडवर्टाइजर आप बिड करते हैं कि इतने पैसे मेरे कटने चाहिए इस, अगर इस बंदे पे कोई क्लिक करता है, इस लिंक पे कोई क्लिक करता है तो, ठीक है, यहां पे थोड़ा और डेप्थ जाते हैं, थोड़ा डेप्थ बोले तो अब जैसे कि एक कीवर्ड पे आपने बिडिंग लगाया $0.50, अगर आपने लगाया तो $0.50 लगा, दूसरा बंदा सेम कीवर्ड पे बिडिंग लगाता है $1 का, ठीक है। अब गूगल के पास $1 वाला भी ऑप्शन है, $0.50 का भी ऑप्शन है, राइट। अब जब दोनों ऑप्शन उसके पास है तो वो दोनों एड को दिखाएगा, अब देखता है कि आपकी एड भी आ रही है, उसकी भी एड आ रही है, आपने $0.50 लगाया, उसने $1 लगाया, गूगल चाहेगा कि $1 पर ज्यादा क्लिक हो क्योंकि उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे और आपके पे कम क्लिक हो। अगर आपने अपने एड में अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखा है और अच्छा ये किया है, क्या बोलते हैं, टाइटल लिखा है, अगर आपका क्लिक्स ज्यादा हो, यानी कि CTR क्लिक थ्रू रेट ज्यादा है तो आपको ऊपर रखेगा और $1 को नीचे रखेगा क्योंकि वो आपसे ज्यादा कमाएगा क्योंकि क्लिक ज्यादा हो रहे हैं। आप 5 बार क्लिक किया तो $2.50 दिया उसको, इसने $2 दिया, तो यही सी बात है। ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से गूगल का है, जो सीपीसी कॉन्सेप्ट वो चलता है कि बिडिंग कितना किया है, उस बिडिंग में किसको दिखाना चाहिए, किसको नहीं दिखाना चाहिए, किसको 1 नंबर पर रखे, किसको 2 और किसको 3 पे रखे। वहां पे भी एड्स में भी रैंकिंग होती है, किसी किसी में देखते होंगे आप 4-5 एड्स आती है फिर नीचे से उसका जो कंटेंट आता है। तो ये एडवर्टाइजर पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। दूसरा जो है आपकी वेबसाइट पॉइंट, एज ए पब्लिशर अगर आप एड दिखाते हैं तो,
जैसे कि आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है, अब वेबसाइट पे आपने एड यूनिट लगाया, अब वेबसाइट पे एड यूनिट लगाया तो आपने एड डिसाइड नहीं किया कि मेरे पे यही एड दिखाना, वो गूगल के हाथ में होता है कि कौन सी एड दिखाएगा वो, ठीक है। अब वो गूगल उसमें बहुत कुछ देखता है कि क्या किस बंदे ने क्या सर्च किया था, कुकी से डेटा निकाला, उस हिसाब से आपकी साइट पे एड दिखाया, फिर आपकी साइट की नीच कैसी है उस हिसाब से उस पर एड दिखाया। अब वहां भी यही चीज अप्लीकेबल होता है कि कोई बंदा अपना एड दिखाना चाहता है किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे, वो चाहता है कि मेरी एड दिखाओ ताकि उसको वहां से रेवेन्यू मिले, या फिर गूगल से मिले, एडवर्ड से मिले, या फिर किसी वेबसाइट पे मेरा एड चलाओ ताकि मुझे वहां से ट्रैफिक मिले या फिर मुझे वहां से कुछ रेवेन्यू मिले, ठीक है। तो उस केस में क्या है, वहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है कि उस कीवर्ड पे अगर आपके वेबसाइट पे एड दिखाया जाएगा, यानी कि आपने लिखा हाउ टू लूज वेट, इस कीवर्ड पे आपने एक आर्टिकल लिखा हाउ टू लूज वेट पे, किसी बंदे ने उस पे बिडिंग लगाई $1 की और उस पे एड जो चलेगा वो आपकी वेबसाइट पे आएगा, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूं इसको, या फिर आपको समझ में आना चाहिए। फिर से एक बार देखते हैं इसको, अगर आपकी एक वेबसाइट है जिसमें आपने लिखा हाउ टू लूज वेट, ठीक है, हाउ टू लूज वेट कीवर्ड है, इस कीवर्ड पे आपने आर्टिकल लिख दिया, राइट। अब क्या किया, एक पब्लिशर आया जिसको एड चलाना है, उसने क्या किया हाउ टू लूज वेट पे $1 की बीडिंग लगा के अपना एड चालू कर दिया, गूगल को दे दिया। गूगल ने क्या किया, एक आपको एड दिखाया हाउ टू लूज वेट, आपके वेबसाइट आपके आर्टिकल पे एक एड दिखाया लूज वेट, उस पर कोई क्लिक करता है तो क्या है, आपको पैसे मिलेंगे, $1 की बिडिंग लगाई थी उसने, उसका $1 गया, ठीक है, और आपको क्या है, उस $1 में से आपको कुछ मिलेगा और कुछ गूगल रख लेगा, ये कॉन्सेप्ट। अब उसमें कहना बहुत मुश्किल होता है कि क्या है। अब इंडिया में सीपीसी कम होता है क्योंकि यहां बिडिंग कम लगाते हैं, इसकी वैल्यू कम होती है, बाहर पे है कि बाहर ज्यादा बिडिंग लगाते हैं, वहां पे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, बाहर के कीवर्ड्स, वहां की ट्रैफिक की क्वालिटी अलग होती है, इसलिए वहां ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। इंडिया में थोड़ा कम होता है, इंडिया या फिर एशिया रेंज में देखेंगे तो कम होता है, इसलिए यहाँ पे कम होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होता है। चाहे आप ये क्या बोलते हैं, इंडिया से लाओ या फिर यूएस का ट्रैफिक लाओ, कहीं से भी ट्रैफिक लाओ, कॉन्सेप्ट यही होगा, वैल्यू ऑफ बिडिंग चेंज हो जाती है, पैसे की वैल्यू चेंज हो जाती है कि कितने डॉलर का एड था कितने का नहीं था। अमेजोन का अगर सेल चलता है उस समय अमेजोन की एड की वैल्यू ज्यादा होती है, सब कुछ वहां पे अलग मिलता है, वैल्यू ज्यादा मिलती है, ज्यादा पैसे मिलते हैं, एक एक ऐड के ज्यादा पैसे मिलते हैं दिखाने के। तो इस हिसाब से जो ये पूरा का पूरा सीपीसी कॉन्सेप्ट काम करता है, एक बार फिर से समराइज करता हूँ। सीपीसी दो तरह का होता है, एक होता है एडवर्टाइजर, एक होता है पब्लिशर। आप एडवर्टाइज एडवर्ड के थ्रू लगाते हैं, वहां पे एड पे क्लिक होते हैं तो आपके पैसे जाते हैं। दूसरा, अगर आपकी वेबसाइट होती है वहां पे कोई एड लगाता है एज ए एडवर्टाइजर, उसके पैसे कटते हैं, आपको मिलते हैं, वहां से गूगल को जाता है। सीपीसी हमेशा कीवर्ड पे काम करता है, उस कीवर्ड पे पर्टिकुलर चीज को दिखाया जाता है, और उसके अलावा इसमें बिडिंग मतलब ये होता है कि कितने पैसे कटेंगे, ये हमारी बिडिंग हो गई, चाहे वो वेबसाइट पे भी बिडिंग लगाएगा और वहां बिडिंग लगाएगा। अगर आप जिसे गूगल कीवर्ड प्लानर में जब ढूंढते होंगे तो वहां पे बिडिंग देखते होंगे, बिड की एक कॉलम आता है, वहां पे लिखा रहता है कि बिडिंग का मतलब इतना डॉलर, इस पे इतना मैक्सिमम बिडिंग लगा था, इस कीवर्ड पे इतना मैक्सिमम बिडिंग लगा था, ये सारी चीजें आपको वहां पे दिखाई देती है। ये कॉन्सेप्ट जो होता है ओवरऑल देखा है तो ये सीपीसी का कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, जो भी था मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया। फिर भी कुछ डाउट रहेगा, कुछ कमी रहेगा तो बताइएगा जरूर, डेफिनेटली इस पे कुछ ना कुछ और भी अच्छा बताने की कोशिश करें आपको, ठीक है। और हाँ, कमेंट लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपको ब्लॉगर से डू फॉलो बैक लिंक चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा कि यस मुझे चाहिए, और इस वीडियो को 100 लाइक कीजिएगा, डेफिनेटली मैं इस वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे कुछ नया कौन सा, तो हेल्प करेगा आप अच्छे से ब्लॉगर सीखने का। बाय, टेक केयर।